नमस्कार, मैं दिनेश कुमार इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय पुलिस से कार्यालय के सामने गन्ना दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक पीड़ित आया है जिसके गांव में एक समरसेबल इंडिया मार्का टू हैंड पाइप लगा है, इंडिया मार्का टू हैंड पाइप लगा है। पीड़ित कहना है कि गाँव के ही कुछ दबंग लोग जो है उसको अपने बाउंड्री के अंदर कर लिए हैं, समरसेबल डाल लिया है, ग्रामीण को पानी पीने की दिक्कत होती है, इसलिए बार बार शिकायतें प्रहर पर दे रहे हैं। मैं इसे खुद जानकारी करना चाहता हूँ कि समस्या क्या है। इन्होंने जो है प्रहर पत्र दिया है और जो है एफिडेविट लगा के दिया है, इन्होंने जो है प्रहर पत्र जो है एफिडेविट लगा के दिया है। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। कहाँ के निवासी हो? रामनगर। और जो है क्या मामला है जो आज आप जिलाधिकारी कार्यालय को अप्लीकेशन दिया, जिलाधिकारी से मुलाकात किया है? अब ऐसा है कि जो है जिलाधिकारी कहते हैं इंडिया मार्का हैंड पाइप लगा था, एक खराब हो गया था जी, एक चल रहा है, इसमें सबमर्सिबल डाल दिया गया, कब्जा करके घर के अंदर कर लिया गया, लोगों को पानी पीने की दिक्कत होती, मैंने एफिडेविट लगा के दे दिया। एफिडेविट लगा के शिकायत प्राप्त दिया है? हाँ। तो जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? अब देखो आगे क्या कार्रवाई करते हैं, तो आश्वासन मुझे दिया है कि तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जो छोटे अधिकारी हैं वो किस तरीके से अपने उच्च अधिकारी को गुमराह करते हैं कि ये एप्लीकेशन इन्होंने आज दिया है 29/11 को, इसके पहले इन्होंने कई शिकायती प्रहर पत्र दिए हैं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट लगाते हैं। जैसे ये जो है रिपोर्ट लगी है नगर पालिका कार्यालय बागवत परिषद बाराबंकी में, नगर पालिका ने लगाया है कि के क्रम में स्तंभबाजी को एक सप्ताह के अंदर बाउंड्री को ध्वस्त करते हुए समरसेबल कलेक्शन हैंडपंप से डिस्कनेक्ट करने हेतु नोटिस भेजी गई है। ये जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। वहीं पर जो है ये जो है दूसरा अप्लीकेशन है, दूसरी रिपोर्ट ये लगाते हैं कि वहाँ पर हैंड पाइप नहीं है, ये देखिए लगाया कि यहाँ पर हैंड पाइप नहीं है लगाया गया है। तो इस तरीके से जो है अधिकारी, छोटे अधिकारी उच्च अधिकारी को जब IGRS किया जाता है, मुख्यमंत्री पोर्टल से शिकायत की जाती है, तो उनको गुमराह करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि नोटिस जारी की गई कि हटवाया जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ पर समर से जो है इंडिया मार्केट हैंड पंप है ही नहीं है, और तीसरी जांच अक्षा में ये कहते हैं कि जो है इसको जो है नल विभाग ने, जो जलकल विभाग ने इस हैंड पंप को खुद ही खुला करके ले गया है। अब एक ही मुद्दे को लेकर तीन तीन रिपोर्टें देते हैं जो अधिकारियों को गुमराह करते हैं। देखने वाली बात यही है, जिलाधिकारी महोदय को, SDM महोदय को संज्ञान भी लेकर उचित कार्रवाई करें कि एक ही मामले को लेकर तीन तीन रिपोर्टें अलग अलग जारी की जाती हैं। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों के छोटे कर्मचारी उनको गुमराह करने का काम करते हैं। नमस्कार, अब देखना यही है कि इस पर जो है क्या कार्रवाई होती है।